नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं निशान शर्मा, आई शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहली बात करते हैं एक ऐसी महिला अधिकारी की जिसने कड़कड़ाती सर्दी में अपनी जनता का हाल जाना और उसके बाद क्या किया, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीरें घने कोहरे, कड़कड़ाती सर्दी और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते बीती देर रात्रि की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में जो महिला आपको दिखाई दे रही है, यह कोई समाज सेविका नहीं है बल्कि युवा उप जिला अधिकारी नवोदिता शर्मा है। अक्सर आपने समाज सेवियों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को रात्रि में घूमते हुए देखा होगा, लेकिन एक महिला उप जिला अधिकारी अपनी जनता का हाल जानने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए, उनकी सर्दी का एहसास करने के लिए सड़कों पर इन हालातों में दिखाई दी तो सराहना तो बनती है। दरअसल कड़कड़ाती सर्दी में जब सभी अधिकारी अपने बंगले में रूम हीटर के सामने मौजूद होंगे, उस समय उप जिला अधिकारी सदर नवोदिता शर्मा लोगों का हाल जानने के लिए शहर की सड़कों पर दिखाई दी। उन्होंने सबसे पहले शहर में स्थापित रैन बसेरों का हाल जाना। सभी रैन बसेरों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पर स्थापित रैन बसेरे का उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शर्मा ने बीती देर रात औचक निरीक्षण किया। यहां दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। यहां मौजूद लोगों का पूरा लेखा जोखा मौजूद है, इस बात की भी जानकारी ली। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जिला अस्पताल में बने रैन बसेरा, कोतवाली के पास बने रैन बसेरा, बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा समेत तमाम रैन बसेरों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बीती देर रात शहर में भ्रमण किया और उन्होंने इस बात की जानकारी जुटाई कि कोई भी व्यक्ति ठंड से तो नहीं ठिठो रहा, ठंड से बेहाल तो नहीं है। उन्होंने अलाव के बारे में भी जानकारी जुटाई कि अलाव चलाया जा रहा है या नहीं। रात्रि भ्रमण को लेकर उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, लोग परेशान हैं ठंड में। तो प्रशासन की यह मंशा है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कि कोई भी रोडों पे सोता हुआ ना मिले और जितने भी लोग गरीब हमें मिल रहे हैं उनको कंबल बांटें। इसलिए हम निकले थे रैन बसेरा देखने और कंबल बांटने। तो ये देखा गया कि कई लोग ठंड में परेशान थे तो उनको कंबल दिए गए हैं। जैसा कि शासन की मंशा है, कोई भी सड़क पर नहीं मिला। रैन बसेरा में व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शीतकालीन समय से बचाव कर सकें।